मेरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिसकेलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि रिलेशंस फंक्शंस का आपका लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मिसकेलेनियस में पूछे थे, तो चलिए उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। मिसकेलेनियस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 ये क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन किए थे व्हाट्सएप में, तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास ये कह रहा है कि लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x+1, फाइंड द फंक्शन जी सच दैट आर टेंस टू आर सच दैट जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये हमारे पास ये इस तरह से डिफाइंड है, तो आपको ये फंक्शंस जी में आपको ये फंक्शंस फाइंड करना है, और यहाँ पे जी ओ एफ और एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर, ये क्या होना चाहिए? इन्वर्टिबल। तो ये देखिए, ये इन्वर्टिबल की ही कंडीशंस है। अगर आपको याद हो कि आपने ये कहा था कि अगर आपके पास एफ सजेड एक्स टेंस टू वाई, यानी ये आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शंस है, तो जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी वाई ये किसके इक्वल होता है? जी ओ एफ एक्स आई एक्स के इक्वल होता है, एफ ओ जी वाई किसके इक्वल होता है? आई वाई के इक्वल होता है। तो ये इन्वर्टिबल की कंडीशंस है। और इन्वर्टिबल में हम लोगों ने कुछ और भी पढ़ा था, हम लोगों ने कहा था कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब 1 1 और आन 2 होगा। ठीक है ना, तो ये भी हमने इन्वर्टिबल में पढ़ा था। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा नोट पे हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि इफ़ एक्स सच दैट एक्स टेंस टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शंस, ओके, देन जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू आई वाई, ये भी होता है इन्वर्टिबल में। और देखिए, इन्वर्टिबल में आपने एक कंडीशन और पढ़ी थी, आप ये कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि अगर एफ आपके पास इन्वर्टिबल है, इफ एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शंस देन एफ इज 1 1 एंड आन 2। तो ये दो चीज़ें आपने वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो दोनों में से किसी से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो भी आप इन्वर्टिबल कह सकते हैं। अगर 1 1 आन 2 अगर आप प्रूफ करते हैं तो भी हमारे पास इन्वर्टिबल हो जाएगा, और उसका इन्वर्स, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंडीशन थी। और नोट नंबर थर्ड आपके पास था कि अगर एफ इन्वर्टिबल है तो एफ इन्वर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। तो इफ इफ फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, इफ फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल देन एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर हमारे पास फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो एफ इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग मिसकेलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं। मिसकेलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? एफ सच दैट आर टेंस टू आर, और हमारे पास फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 10x+7। ओके, तो चलिए यहां पे वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर, इस हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिए यहाँ पे, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2 देयर इम्प्लाइज fx1 की वैल्यू क्या होगी? 10x+7। fx2 की वैल्यू हमारे पास होगी 10x+2 7, दैट विल इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10x2, देयर इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, सो एफ इज 1 1, एफ हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शंस होगा। ठीक है, ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। तो लेट वाई बिलोंग्स टू आर, यहां पर ये वाई क्या है आपके पास? ये जो आर आपके पास, ये क्या है? कोडोमेन है आपके पास, एंड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया।
y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है 10x+7, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी y -7/10। और यक्स क्या होता है डोमेन, यानी डोमेन में एलिमेंट्स कैसे हैं, ये हैं जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, और ये क्या है डोमेन है आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ पर रेंज निकालेंगे, रेंज क्या होगा, एक्स का एलिमेंट्स लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस टेन, रेंज निकालेंगे यहाँ पे, चलिए रेंज निकालते हैं। तो एफ एक्स पे जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा 10 × y -7/10 + 7, 10 10 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गया वाई। तो देखिए रेंज किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, सो एफ इज ऑन टू, देयरफॉर एफ इज, देयरफॉर एफ इज 1 1 ऑन टू, ठीक है। दस एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, दस एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शंस। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है एक्चुअल में ये हमारे पास यहाँ पर इनवर्स ही फाइंड करना है, क्योंकि ये इनवर्स की ही कंडीशन होती है कि जी सच दैट आर टेंस टू आर सच दैट एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर, तो ये इनवर्स की ही कंडीशंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम लोगों को यूज़ करना है, तो यूज़ करना है तो चलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हम लोगों को यूज़ ना करना होता तो सीधे हम लोग वही निकालते, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी वाई की वैल्यू एफ इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन हम लोग इनवर्स वैसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ करना है तो चलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेट अस डिफाइन जी सच दैट, लेट अस डिफाइन जी सच दैट आर टेंस टू आर एज जी वाई इज इक्वल टू, जी वाई क्या हो जाएगा, देखिए इनवर्स जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है y -7/10, तो यही इसका आपके पास जी वाई की वैल्यू होगी, और ये इनवर्स ही होता है, ठीक है ना, ये इनवर्स की ही वैल्यू है। और ये इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ये अगर वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ये अगर आपके पास आ रहा है तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। तो हमने इस वैल्यू को किस टाइप का लिया है, इस टाइप का, और अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमने जी जो लिया है वो आपका वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग डिफाइन करें इसको जी वाई को इस तरह से, तो पहले हम क्या निकालेंगे, जी ओ एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए जी ओ एफ एक्स निकालते हैं, तो जी ओ एफ एक्स क्या होगा, जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अभी हम एफ एक्स को लेंगे, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है 10x+7। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 10x+7 - 7/10, 7 7 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया एक्स, दैट विल इक्वल टू आई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ओ जी वाई निकालेंगे, ये क्या है एफ फंक्शन ऑफ जी वाई हो जाएगा, जी वाई की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा वाई -7/10, और इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 × y -7/10, ठीक है, प्लस का 7, ये 10 10 कैंसिल, 7 भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा वाई, दैट विल बी इक्वल टू आई वाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ, ठीक है ना, एफ जी ओ एफ किसके इक्वल है, आई एक्स के इक्वल है, और एफ ओ जी किसके इक्वल है, आई वाई के। सो यहाँ पर क्या क्लियर है कि जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हेंस द रिक्वायर्ड फंक्शंस हेंस द रिक्वायर्ड फंक्शन जी सच दैट आर टेंस टू आर is defined as gy is equal to y -7/10, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। और एक्चुअल में ये इनवर्स ही है, ठीक है, इनवर्स कहना तो हम लोग सीधे वैसे निकाले जैसे पहले हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू को यूज़ करने के लिए कहा था तो हम लोगों ने इस तरह से इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये भी इनवर्स निकालने का ही कंडीशंस होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि लेट एफ सच दैट डब्ल्यू टेंस टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, एंड डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन वेन एन इज ऑड, एंड एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन वेन एन इज इवन, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो इनवर्स फाइंड करना,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिवन दैट, यहां पर क्या गिवन है, जी सच दैट डब्ल्यू टेंस टू डब्ल्यू, ठीक है, एंड एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन व्हेन एन इज ऑड, एन प्लस वन व्हेन एन इज इवन। प्रूव दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इन एफ इनवर्स, और इनवर्स भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे इनवर्स हम लोग नॉर्मल तरीके से ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको इनवर्टिबल प्रूफ करते हैं। तो लेट एन वन, अगर हम एन वन को क्या कहें, ऑड फंक्शंस, और एन टू हमारे पास क्या हो, इवन फंक्शंस हो, ठीक है, विच इज बिलोंग्स टू होल नंबर डब्ल्यू, एंड एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, एंड एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू टू। हाउएवर दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाउएवर दिस इज इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो एन वन और एन टू होंगे वो सेम नंबर्स में, या तो आप इवन ले लें और या फिर हम दोनों क्या ले लें, ऑड, ठीक है, ये आपके पास अलग अलग नहीं होंगे कि एक ऑड हो जाए और एक इवन हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेकंड केस को लेंगे कि अगर दोनों हमारे पास क्या हो, ऑड फंक्शंस हो। इफ बोथ एन वन एंड एन टू आर ऑड, देन वी हैव then we have fn1 is equal to fn2, there implies n1 minus 1 and n2 minus 1, क्योंकि odd में हमारे पास n minus 1 का यूज़ करना है, there implies n1 is equal to n2। चलिए अगर दोनों हमारे पास क्या हो, if both n1 and n2 are even, then we have एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, दे आर इम्प्लाइज, अब यहाँ पर क्या है, प्लस है दोनों, तो ये हो जाएगा एन वन प्लस वन एंड एन टू प्लस वन, दे आर इम्प्लाइज एन वन इज इक्वल टू एन टू, सो एफ इज वन वन। इसका मतलब ये होगा कि एफ हमारे पास क्या है, वन वन है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट, अभी हम ऑन टू इसको प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ऑन टू फंक्शंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर कैसा होता है, टू एम प्लस वन टाइप, और इवन कैसा होता है, टू एन टाइप। तो इट इज क्लियर दैट एनी ऑड नंबर, ठीक है, एनी ऑड नंबर टू आर प्लस वन इन कोडोमेन, जो कि कोडोमेन में आपके पास होगा, इन कोडोमेन डब्ल्यू इज द इमेज ऑफ, इज द इमेज ऑफ टू आर इन डोमेन डब्ल्यू, ठीक है, एंड एनी इवन नंबर टू आर इन कोडोमेन डब्ल्यू, इज द इमेज ऑफ टू आर प्लस वन इन डोमेन डब्ल्यू, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके पास कोडोमेन, जो भी कोडोमेन में आपके पास ऑड नंबर्स हैं वो सब डोमेन के इमेज हैं, ठीक है ना, टू आर टाइप के, उसमें डोमेन में इमेज होंगे, और अगर इवन नंबर्स हैं तो वो आपके पास दूसरे नंबर्स पे ऑड नंबर्स के क्या होंगे, इमेज होंगे। तो यहाँ पर सब एक दूसरे के इमेज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास ऑन टू मैपिंग है, सो एफ इज ऑन टू, सो एफ इज ऑन टू, हैंस एफ इज, हैंस एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शंस,
इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या होगा, इनवर्टिबल फंक्शंस होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अगर ये इन्वर्टिबल है तो आपको इन्वर्स फाइंड करना है। अब ज़रा याद करें इन्वर्स आपने किस तरह से क्वेश्चंस को किए थे, थोड़ा सा आपको हम पीछे रिवाइंड करवाएंगे एक बार। ठीक है, कि इन्वर्टिबल आपका था, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, तो आपने इसको क्या प्रूफ किया था, एफ इज़ वन एन टू, और एफ अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप कैसे निकालते थे, लेट एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, और यही आपके पास जो एक्स था वो क्या था, एफ इनवर्स वाई। इस तरीके से आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते थे। तो यही क्वेश्चन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे चूंकि हमें कंडीशंस का यूज़ करने के लिए कहा था तो हम लोगों ने कंडीशन यूज़ किया था। अब यहाँ पर हमें इनवर्स इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे। तो लेट क्या लेट कर लिया हम लोगों ने, अब देखिए हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है, वहाँ फंक्शन एफ एक्स था और यहाँ फंक्शन क्या है, एफ एन। तो हम लोग एफ एन को लेट करेंगे, लेट एफ एन इज इक्वल टू एम। क्लियर है, अब देखिए एफ एन हमारे पास क्या है, एफ एन हमारे पास है एन प्लस वन। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया, एम के। और यहाँ पर एन किस क्या कह रहा है, यहाँ पे एन कह रहा है इवन, इफ एन इज इवन। ठीक है, और यही हमारे पास अगर एन क्या हो, ऑड हो, इफ एन इज ऑड, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन माइनस वन है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, एम के। तो इस तरीके से एन की जब वैल्यू निकालेंगे तो एन की दो वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है ना, टू वैल्यू हमारे पास मिलेगी, एन इज इक्वल टू, एक वैल्यू देखिए यहाँ से क्या मिलेगी, एम माइनस वन। और अगर एन इवन है, देखिए इवन में अगर आप वन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड ही तो मिलेगा। इसका मतलब ये हम इस कंडीशन में क्या होगा, ऑड होगा। तो इफ एम इज ऑड, इफ एम इज ऑड। ठीक है, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम प्लस वन, और ये किस केस में मिलेगा, देखिए अगर माइनस भी करेंगे, अगर ऑड में एक वैल्यू माइनस करेंगे तो इवन मिलेगा। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इवन हो जाएगी। तो इफ एन इज इवन, एम इज इवन। ठीक है, और एन हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स एम। यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू फाइंड करें तो एन की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स एम। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एम हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एम माइनस वन इफ एम इज ऑड, एंड एम प्लस वन इफ एम इज इवन। ठीक है, ये हमारे पास इसका केस हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से एफ इनवर्स एन को निकालें तो सेम केस हमारे पास मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों क्या हैं, इनवर्स और फंक्शंस दोनों आपके पास क्या हैं, सेम फंक्शन है। ठीक है, यानी उसका इनवर्स क्या होगा, वो खुद ही होगा। ठीक है, इटसेल्फ कह सकते हैं, वो आपके पास एफ का एफ इनवर्स क्या होगा, इटसेल्फ होगा। हेंस एफ इनवर्स एन, ये भी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एन प्लस वन, एन इज इवन। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा एन माइनस वन इफ एन इज ऑड। और यहाँ पर ये भी हमारे पास ऐसे ही मिल रहा है, एम माइनस वन ऑड और एम प्लस वन इवन। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, क्लियरली एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स, यानी एफ और एफ इनवर्स दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो एफ का इनवर्स है वो क्या है, इटसेल्फ है। हेंस द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आप लोगों ने कहा था पूछने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट माइनस वन इज लेस देन एक्स एंड आल्सो लेस देन वन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर इज वन वन एंड आन टू फंक्शंस। ये हमारे पास आपको प्रूफ करना है कि एफ क्या है, वन वन और आन टू है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, तो नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, गुड बाय, आई लव यू, थैंक यू।